हेलो एवरीवन, आज है 19 फरवरी और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम सलासर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में, जो फिलहाल 25 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसमें आज के दिन देखा जाए करीब 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। स्टॉक लगातार गिरते हुए देखने को मिल रहा था और आज के दिन देखे तो इसमें अच्छा खासा अपर सर्किट लग चुका है। पर इस स्टॉक को आपको अभी भी बाई नहीं करना है। स्टॉक ने अच्छा खासा 33 का हाई बनाया था, वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। 5 साल में देखिए तो 1000% से भी ज्यादा रिटर्न दे चुका है। और साल भर में देखिए अपने ऑल टाइम हाई के हिसाब से देखिए तो 300% रिटर्न देखने को मिल रहा है। एक महीने के अंदर देखिए तो 150 से 200% रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। और स्टॉक एक तरह से बहुत ही ज्यादा ओवरवैल्यूड है। इसके फंडामेंटल देखिए तो बहुत ही झोलझाल देखने को मिल रहा है, मैं जिसलिए आपको बोल रहा हूँ, आपको पूरा बताऊंगा आज की इस वीडियो में। उससे पहले एक बार आप देख लीजिए, निफ्टी 22,000 के आसपास आ चुका है, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ से आपको एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है मार्केट मूड के हिसाब से देखे तो। पर इसमें आपको घबराना नहीं है, जितने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जिनको आपने बाई कर रखा है ऊपर की प्राइस पे, उनको आराम से आपको होल्ड करना है, लॉस बुक नहीं करना। और आप जिनको बाई करने से चूक गए थे उनको आपको अच्छा खासा मौका वापस से देखने को मिल रहा है, तो आप वहां उसको बाई कर सकते हैं। और आप किस शेयर के अंदर फंसे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो मैं आपको कमेंट रिप्लाई जरूर से दे दूंगा। तो सलासर टेक्नोलॉजी बेसिकली जो है पावर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, टेलीकॉम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इनके रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने का काम करती है। इनके जो क्लाइंट्स है GTL, इंडस टावर, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिल रही है। पर इसका मार्केट में देखेंगे तो 3,943 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक है इसके प्राइस के हिसाब से। पर जो सबसे खराब बात लगी है मुझे वो इसका कैश फ्लो। अगर आप कैश फ्लो देखें, इनका जो कैश फ्लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था मार्च 2012 में -5 था, जो कि फिलहाल मार्च 2023 में माइनस ही देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही खराब बात है। और शेयर होल्डर पैटर्न देखें तो ये भी बहुत ज्यादा खराब देखने को मिल रहा है। इसमें DIs देखें तो 0 थे, जो कि 0 ही देखने को मिल रहे हैं। DIs की कोई होल्डिंग देखने को नहीं मिल रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो DIs है वो बेवकूफ है। आप इसको लगातार बाई करते जा रहे हो, 300% रिटर्न दे चुका है, 400 दे चुका है, इतने सारे यूट्यूबर है लगातार बोल रहे हो सलासर को बाई करो, ये करो, वो करो, सब ऑपरेटर और प्रमोटर ने उनको अच्छा खासा पैसा दिया, इसके वजह से आपको बोलते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी कुछ ऐसा नहीं, ऐसा होता तो DIs आपसे ज्यादा होशियार है, हमसे ज्यादा होशियार है, और उनके पास अच्छा खासा फंड लगा चुके थे। तो इसके अंदर उन्होंने इसमें एक बार भी बड़ा ही नहीं होल्डिंग देख सकते हैं आप, 0 की 0 देखने को मिले। DIs ने एक बार ट्राई भी नहीं करा, यहाँ 0.03 था, वापस 0 कर दिया, DIs निकल गए। FIs की 0 थी, जो कि फिलहाल 8.85 हो गई दिसंबर में ही, और जनवरी फरवरी में ये भी आपको 0 देखने को मिल सकता है। प्रमोटर की देखिए 74 से 63 हो गई है, यहाँ प्रमोटर ही नहीं बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और पब्लिक अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। और दिसंबर का है, और इसका क्रेज भी आपको पता है दिसंबर के बाद ही आया था, जनवरी फरवरी में बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं सलासर बाई करो, ये करो, वो करो, इनके पास इतने सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। यार कुछ नहीं ऐसा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है पर वो फंडामेंटल इसका बहुत ही खराब है। उसके हिसाब से आप देखे तो मैं आपको एक बार चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। 6 महीने में देखे तो 128% रिटर्न अभी भी देखने को मिल रहा है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास से। और बहुत ही कम ऐसे हमारे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने इसको यहाँ बाई किया होगा 10 रुपए के आसपास। सभी ने इसको चलती गाड़ी में बाई किया, तेजी में किसी वीडियो देख ली इसको बाई कर लिया, क्योंकि अधिकतर यूट्यूबर यही करते हैं, जब तेजी आती है तब उसमें वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं स्टॉक को बाई करो, मैं आपको बता रहा हूँ ये डबल होगा, चौबल होगा, और जब वो गिरना शुरू होता है उस पर वीडियो बनाते नहीं है, तब मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि जो व्यूअर्स उनकी वीडियो देख के वो रिप्लाई दे नहीं रहे, मुझे कमेंट आ रही है सर क्या करे क्या करे, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ इसको बाई मत करें, इसके फंडामेंटल बहुत ही खराब है। बहुत ही कम ऐसे पेनी स्टॉक होते हैं जो फ्यूचर में अच्छे बना के दे सकते हैं। सलासर टेक्नोलॉजी मुझे वो बात नहीं लगती है। साल भर के अंदर देखेंगे देखते हैं 176% रिटर्न अभी भी देखने को मिल रहा है। 5 साल में देखेंगे 982% का, क्योंकि 1000% रिटर्न दे चुका है। मैक्स देखेंगे तो स्टॉक लिस्ट हुआ था 2.49 पे 17 में, वहां से कोई तेजी नहीं थी, एक ही दिन तेजी देखने को मिल रही है। और ये सब ऑपरेटर प्रमोटर वैसे आपको तेजी देखने को मिल रही है, फंडामेंटल उतने अच्छे नहीं है। सेल देखेंगे 174 था दिसंबर 2020 में, जो कि फिलहाल दिसंबर 2023 में 304 होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ सेल्स अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 18 से 37 हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पर जितने तेजी से सेल्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, पर उसका जो प्राइस है उससे भी और तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि खराब बात लगी है मुझे। मैं तो बस आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आपको 20% ज्यादा का लॉस हो रहा है तो आप इसको होल्ड करिए, वैसे तो होल्ड करने के लिए नहीं कहूंगा, पर 20% कम का लॉस हो तो आप निकल लीजिए, लॉस बुक कर लीजिए, किसी और स्टॉक को बाई करिए, उसमें आपका लॉस कवर हो जाएगा। लाइक धनलक्ष्मी बैंक 40 पे बोल रहा हूँ मैं आपको, 80 तक जाएगा वो, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है उसके। SBI कार्ड को बाई कर लीजिए, जुबिलेंट फूड, एमटा टेक्नोलॉजी, आवाज फाइनेंस, ये सारे आपको डबल होते देखने को मिल सकते हो। ये सारे अंडर वैल्यूड है, ये ओवर वैल्यूड है, मैं इसको आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इसके फंडामेंटल भी खराब है, प्लस ऊपर से पेनी स्टॉक है, तो साफ दिख रहा है वापस से करेक्शन आ सकता है। ऑपरेटर 3-4 दिन इसको फिर उठाएंगे और फिर से आपको इसमें करेक्शन देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आप इससे दूर रहिए, फिर भी अगर आप इसको बाई करने की सोचें तो अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट को नहीं ओपन किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डीमेट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।